अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा पलवल। ये 3 लोगों के लिए है। मैंने पलवल साफ़ करके इसके अंदर का गुद्दा बीज जो भी है निकाल लिया है, इसे मैंने तल लिया है। 3 बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ती, चना दाल जिसे मैंने 2 घंटे भिगो के रखा है, नमक स्वाद के लिए, और ये मसाले हैं। मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और गरम मसाले। गरम मसाले 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और पलवल के अंदर से जो निकाला गया है बीज और गुद्दा, सबको मैंने एक साथ पीस दिया है। कभी कभी होता है पलवल का जो बीज मुँह में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सबको पीस दिया है। और ये है सरसों का तेल। अब मैं सबको एक साथ मिलाऊंगी, उसके बाद फिर इसमें भरूंगी। ये प्याज फ्राई करने के लिए, चना दाल, मसाले, नमक टेस्ट के हिसाब से, आप कैसा खाती हैं नमक, और सरसों तेल 1 टेबल स्पून लें या 2 बड़े चाय के चम्मच इसमें डालने के लिए। अब सबको एक साथ मिला दूंगी। सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, ये उनके लिए, और जो लोग नॉनवेज है उनके लिए भी मैं दूसरा वाला बनाऊंगी, जो मटन कीमा भरवा, पलवल भरवा, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से सारे पलवल को भर लूंगी। ये बहुत मज़ेदार होता है, आप एक बार खा कर देखें और घर में बनाएं। अब मैंने कुकर में 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है और उसे प्याज फ्राई करूंगी। जब तक मैं इसे भरूंगी तब तक प्याज फ्राई हो जाएगा। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे मैं डालूंगी इसमें जो बचे हुए हैं प्याज मसाला सबको। पानी, अब इसमें पलवल डाल दूंगी। इसे ढक दूंगी, 1 सीटी लगती है। देखिए 1 सीटी लग चुका है और इसका भाप भी निकल चुका है। हम इसे खोलती हूँ। देखिए ये बनके तैयार है पलवल। देखिए गल चुका है, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। भरवा पलवल बनाने के लिए हमेशा हमेशा
बड़े साइज का परवल ले, इसे आप चावल रोटी पराठा सबके साथ खा सकते हैं। आपको मेरा भरवा परवल कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।